हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टू चैनल बिलियन बिलियन एजुकेशन वी रीच एंड टीच पॉपुलेशन सो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जी हाँ यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सबसे जो टफ पार्ट है वो आएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट ये आपके प्रैक्टिकल में भी वो लोग पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल राउंड में भी पूछ सकते हैं गाइस और साथ ही साथ आपके आ, वाइवा में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन यहां से बहुत पूछें तो ठीक है जैसे पूछते तो नहीं है डीप में से लेकिन ये सब पूछ लेंगे वो लोग ठीक है चलिए चलते हैं गाइज माउंटेन एक्सप्रेस द डायनामिक्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स सो जो धरती के अंदर चेंजेस हो रहे ना गाइज वो सरफेस पे कैसे जैसे कि हम बोलते हैं इंसानों के अंदर की फीलिंग बाहर आ जाती है जैसे आप नाराज तो ऐसे मुंह बना के रहेंगे ऐसे गुस्से में या मुंह लाल हो गया रहेगा आपका या गुस्से में ऐसे करते रहते हो तो आपके अंदर की जो फीलिंग रहती है वो आपके चेहरे पे बया होती है ऐसे अर्थ के अंदर की जो चेंजेस है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के वो बया होते हैं सरफेस पे से और वो हमको पढ़ने में बहुत ज्यादा डिटेल में आते हैं गाइज मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ देखते रहूंगा आप लोग जो कमेंट करना है करते रहिएगा दे आर पॉजिटिव रिलीफ स्ट्रक्चर्स और लैंडफॉर्म राइजिंग अब दराउंडिंग लैंड मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या देखिए एक होता है ये माउंटेन है हैं जी हेंगे जी हैं चलिए तो देखिए एक होता है कि समझिए ऐसा माउंटेन का कोई स्ट्रक्चर है इस पे दिन रात आ, इरोजनल एजेंट जैसे वाटर सी वाटर ग्राउंड वाटर फिर इसी तरह से एयर ग्लेशियस घसते रहते हैं बेचारे को तो ये क्या होता है कभी इतना कभी इतना गायब हो जाएगा फिर इतना गायब होते होते एक दिन ये पूरा गायब होके एक लैंड जैसा दिखेगा जी हाँ सो ये निगेटिव है लैंडफॉर्म जहां पे लैंड गायब हो गया पॉजिटिव क्या जहां पे ऐसा फ्लैट था लेकिन एक नया पार्ट आ गया इसे बोलते हैं पॉजिटिव लैंडफॉर्म बस यही फर्क माउंटेन्स बिल्डिंग इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड प्रोसेस सच एज अपलिफ्टमेंट फोल्डिंग डिफॉर्मेशन फॉल्टिंग मेथामोफिजन एग्नियस एक्टिविटी इरोजन इरोजन क्यों भैया देखिए यहाँ पे ये समझिए ये इरोजन करके लेके गया रिवर इसको लेके गई एक जगह रखते जा रही है तो पहले यहाँ पर इतना ही लैंड था लेकिन अब नया लैंड फिर नया लैंड तो इस तरह के लेकिन निगेटिव मतलब क्या घसाई का पार्ट ये जो घसाई वाला पार्ट वो निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है जब बने तो पॉजिटिव जब टूटे तो निगेटिव होता है ठीक है याद रखना अब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें हम लोग को देखना है जैसे कि और चारी सारी सारी चीजें कर करके रखा है कि प्लेट ही अब ऊपर आ जाए जैसे ये प्लेट थी ये पूरी की पूरी प्लेट थी इसमें से ये पार्ट ऊपर आ जाए और ये प्लेट कुछ इस तरह से दिखने लगे और ये अपलिफ्ट हो गया इसे बोलेंगे अपलिफ्टमेंट ये सब होता रहता है ये सब नेचर में होता रहता है प्लेट्स के मूवमेंट्स होते रहती है फिर डिफॉर्मेशन या किसी का टूट जाना पार्ट डिफॉर्मेशन से भी नए नए चीज आते रहते हैं फॉल्टिंग फॉल्ट एंड फोल्ड माउंटेन आप लोग को पता है ये इलेवेंथ की जोग्राफी से बहुत डिटेल में मैंने किया है क्योंकि चैप्टर खुद इतना डिटेल में नहीं बता रहा आगे आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताया तो मैं भी वैसे ही बता दूंगा बाकी तो हम सब डिटेल में करते ही हैं गाइस आप लोग के लिए सब कुछ हाजिर है सेडिमेंटेशन मतलब बोला ना यहाँ पे रखना नदी बहा के ला रही है या एयर बहा के ला रही है और एक जगह रख रही है तो इसे बोलेंगे अपने जो सेडिमेंट्स जो उसने इरोड करके माउंटेन्स को लाया था ना यहाँ पे लाके जमा कर रही है इसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को चलिए सो यंगर माउंटेंस कोई दिक्कत होगा इस तो बताना ठीक है यंगर माउंटेन्स अचीव हाइएस्ट एलिवेशन एज द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एक्सीड्स द रेट ऑफ इरोजन देखिए अब यहां पे क्या बात हो गई यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है गाई? जैसे कि एक सेकेंड इसे अच्छा इतना पेज ही हमारा सो so, यहां पे यंग माउंटेन्स जैसे कि हमारे में देखिए जब लड़का यंग रहता है तो बड़ा होते चलता रहता है जी हां देखा होगा ना आप लोग ने यंग रहता है तो बड़ा होते चलता रहता है बुढे रहते हैं हमारे जो ओल्ड पीपल रहते हैं वो झुकते चले जाते हैं उनकी हड्डियां इरोड होती रहती है जी हाँ और वो लोग साइज में छोटे होते रहते हैं ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल क्या होता ही है ऐसे माउंटेन्स के साथ भी होता है क्यों मैं ह्यूमंस का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं जो चीज हम देखते हैं उससे ज्यादा बिलीव होता रहता है सो so, यहां पे यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय हमारे यंग फोल्ड माउंटेन ये बनते ही रहते हैं ठीक है ये ध्यान देने की जरूरत है और हाइएस्ट एलिवेशन यहां याद रखना यंग है तो हाइएस्ट रहेगा हमेशा और ओल्ड है तो ये शॉर्ट होगा ओल्ड होगा तो शॉर्ट होगा यंग होगा तो हाइट उसकी बहुत ज्यादा होगी जैसे कि आप लोग रॉकीज माउंटेन देख लीजिए यूएसए का एंडीज माउंटेन देख लीजिए साउथ अमेरिका का इसी तरह से एग्ज देखिए यूरोप का और हिमालया देखिए इंडिया का आप लोग पाओगे ये नए बने अभी जस्ट फिलहाल थोड़े साल पहले कल ही बना था ऐसा मजाक कर रहा हूं आ, बहुत सालों पहले बना था मतलब कंपेरेटिवली यंग है ये तो ये देखिए ये सबकी हाइट बहुत ज्यादा होती है अच्छा ओल्ड फोल्ड का माउंटेन जैसे यूएसए में अपलाशियन इंडिया में अरावली ये ओल्ड है तो इनकी हाइट भी छोटी है तो ये बोलने का तरीका है कि जो यंग रहेंगे वो हाईएस्ट पीक पे होंगे ठीक है You are not getting economic life class. Which which standard, dear? Which standard? Which standard? Mention it. Mount Everest जैसे कि Mount Everest देखेंगे आप लोग नेपाल में है ये हिमालय का पार्ट है। बताऊंगा सारा सच्ची। So twelfth. Okay, I will take. I will take. Twelfth का I will take. जस्ट बिकॉज नेट बहुत स्लो हो गया था मैं मोबाइल से स्ट्रीम करने लगा था तो पिक्स जो थे पिक्सल्स रुक के आ रहे थे इसलिए मैंने उसको ऑल टुगेदर रोक दिया वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया उसे फिर मैं उसे अपलोड कर दूंगा फ्रेश अपलोड कर दूंगा ठीक है डिफरेंट मैकेजम ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जैसे कि आप लोग जानते हैं फोर मेन टाइप है फोल्ड माउंटेन फॉल्ट ब्लॉक वोल्कैनिक एंड रेलिक माउंटेन तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये देखिए फोल्ड माउंटेंस कैसे बनते हैं ये देखिए प्लेट्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगी फोल्ड माउंटेंस आर फॉन्ड वेन टू प्लेट्स को लाइड और अ कंप्रेसिव फोर्स इज डेवलप कौन सा फोर्स कंप्रेसिव फोर्स इज डेवलप विद इन द प्लेट ये सब आप इलेवंथ की प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी मेरी क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में किया है आप लोग यहाँ पे आपको चार पांच पैसेज में खत्म कर रहा ना वहां पे इलेवंथ के जो फर्स्ट चैप्टर अर्थ मूवमेंट में उसने पेजेस लिए लिटरली से बताने के लिए तो वो आप जाके देख लेना साथ में मैं यहाँ पर बता ही दूंगा जैसा आपको फ्री रहे जैसे आप लोग को टाइम रहे ठीक है ओके सौंदर्य जी होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो आप बच्चे लोग अच्छे हो वरना अभी तक दूसरे कोई रहते भैया तो अभी तक सिर पे चढ़ जाते हैं लेकिन आप लोग का थैंक यू फॉर सपोर्ट ठीक है सो कंप्रेसिव फोर्स ये दो प्लेट्स हैं ये दो प्लेट्स हैं अब इनको कंप्रेस करिए यहां से इसको दबाइए यहां से इसको दबाइए तो अचानक से स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा तो ये कंप्रेसिव फोर्स लगा और ये कौन सा दिख रहा है ये फोल्ड दिख रहा है फोल्ड कपड़ों को हम मारते हैं ना ये साइड से कपड़े को ऐसे दबाएं और कपड़े को यहां से भी दबाएं तो फोल्ड बन जाता है ऊपर तो वही फोल्ड माउंटेन है मेनी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन जैसे कि आज जो भी वर्ल्ड में हाइट में आप बहुत ज्यादा देख रहे हो ना वो सब फोल्ड माउंटेन जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया एंडीज हिमालय और रॉकीज अब फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्सार्म अलॉन्ग टाइप फॉल्ट वाला कहा होता है फॉर्मड अलॉन्ग दी लाए, फॉल्ट लाइन साइड ऑफ आर कॉल्ड फॉल्ट ब्लॉक्स अब ये देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल हो लिया अब ये तो हमारा था कि भैया दो ब्लॉक्स है ना अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक प्लेट है और वो टूट जाए एक प्लेट कोई टूट जाए देखिए ये प्लेट थी हमारी अब ये प्लेट के अंदर दरारें गिरती है फॉल्ट फॉल्ट यहां यहां पे अब यहां पे गिरा गिरा एक ही लाइन चलिए एग्जांपल लेते हैं एक फॉल्ट लाइन का फिर उसके बाद देखेंगे दो फॉल्ट लाइन का फॉल्ट लाइन मतलब क्या जहां पे से वो ब्रेक हो जा रही है अच्छा यहां पे टेंशनल फोर्स क्रिएट होता है टेंशन क्रिएट होता है ऐसा बाहर की तरफ वाला फोर्स फोल्ड वाले में अंदर की तरफ था इसमें बाहर की तरफ है उल्टा है तो इससे क्या यहां पे खींच जाता है ये और खींचने की वजह से क्या टूट जाता है जैसे आप लोग पेपर को खींच के देखते होंगे तो देखिए एक लाइन एक फॉल्ट गिरा और दो गिरा या तो तो ये दो केस हो गया तो पहला वाला मैं बताया था यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा यहाँ पे फॉल्ट आ गया अब ये क्या हो सकता है या तो ये ऊपर जाए या ये नीचे जाए अर्थक्वेक की वजह से तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा तो ये हमारा एक माउंटेन हो गया अब ये दो साइड से तो ये दो साइड से एक यहां पे फॉल्ट गिरा है एक यहां पे फॉल्ट गिरा है तो या तो ये वाला पार्ट जो बीच वाला जो टुकड़ा है वो नीचे चला जाए जी हाँ ये बीच वाला टुकड़ा नीचे, नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए दोनों ऑप्शन है ठीक है तो उसी हिसाब से माउंटेन बनेंगे ये देखिए ऊपर चला गया तो इस तरह से ये अपना फॉल्ट माउंटेन दिख गया ऊपर चला गया तो अगर नीचे गया तो क्या दिखेगा इस तरह से दिखेगा ये अपना वैली दिखेगा तब वैली बनता है जब फॉल्ट में से एक नीचे चला जाए तो उसे वैली बनाता है और आप दिन देखोगे यहां पे अगर चल रहे समझिए मेन रास्ता था मैं यहाँ पे था ऊपर मैं चलता था डेली ऐसे चलता था कुछ सालों बाद आया तो फिर मैं यहाँ पे तो मुझे ये अगर ऊपर गया तो ये माउंटेन जैसा दिखेगा और यहाँ पे मैं खड़ा भी सेम तो ये मुझे नीचे की तरफ दिखेगा होप आप समझ पा रहे हो समझ तो आप ये चल सकते हो ये माउंटेन जो ऊपर उस पर नहीं चल सकते ना जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं ऑफ द फॉल्ट ब्लॉक्स आप पुस्ड अप वाइल अदर्स आर पुश डाउन रिजल्टिंग एलिवेशन देखिए यहां पर ये, ये जो पार्ट था ये ऊपर की तरफ चला गया और जो रिमेनिंग वाले थे ये ये वाला नीचे गया और ये वाला नीचे चला गया तो कैसा दिखेगा पहले वाले जैसा दिखेगा तो आपको मैंने तीन चीज बता दी यहां पे देखिए एक ये बताया ये दूसरा अरे ये दूसरा नहीं ये दूसरा और ये तीसरा फाइनल रिजल्ट और ये लोग देखिए दो फॉल्ट लाइन की बात नहीं कर रहे ना एक ये सिंगल फॉल्ट लाइन है सिंगल फॉल्ट लाइन और ये देखिए डबल फॉल्ट लाइन है दो जगह फॉल्ट ही रहा उसके अंदर तो ये सारी चीजें ओके सौंदर्य चलिए सतपुड़ा और विंध्या इंडिया में जो है आर कंसिडर्स फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट की वैसे बना लेकिन ये माउंटेन बना है अच्छा रिफ्ट वैली कहां पे ऐसी बनी होगी जी हाँ रिफ्ट वैली भी बनी है नर्मदा नर्मदा रिवर ऐसी वैली में बहती है गाइस अब वॉलैनिक वोकैनो नीचे से आ रहा है और वो जमा करेगा वोलैनिक माउंटेन्स आर कॉस्ड बाय वोल्कैनिक एक्टिविटी एंड मैग्मा इरप्स तो आपको मालूम होना चाहिए कि धरती के अंदर क्या होता है लावा जी हाँ लावा तो हमारे इधर बोलते हैं ऐसे भी यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा फ्रेजेस के टर्म में भी यूज कर देते हैं हम लोग कि भैया चाइनीज ज़्यादा खा लिया तो पेट में लावा दौड़ने लगता है वो वाला लावा मत सोचना गाइस चलिए थोड़ा सा फूहर टाइप हो गया चलिए यहाँ पे क्या ध्यान देना कि ये देखिए माउंट यहाँ पे था ये हमारा लैंड था मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ से वोल्कैनिक इरप्शन की साइट आ रही नीचे से मैग्मा आ रहा है तो एक दिन ये दुपक करके निकल गया और ऐसा बना दिया अब वो हमेशा हर साल या कई वर्षों में ऐसे ही निकलते रहता है और वोलकैनिक माउंटेन बनाता रहता है बोलकैनिक माउंटेन के बहुत टाइप है अगेन फर्स्ट चैप्टर मैंने डिस्कस किया इलेवंथ की ज्योग्राफी में इलेवंथ ज्योग्राफी में ठीक है गाइस चलिए ऑल द वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ द हॉट मैग्मा विल कूल एंड हार्ड एंड फॉर्मिंग माउंटेन uh, तो so, पहले निकला था तो एकदम लावा लिक्विड टाइप था फिर सॉलिड होता गया और मैंने बताया इयर आफ्टर ईयर वो डिपॉजिट होता रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ वोनिक माउंटेन्स इंक्लूड माउंट फूजी इन जापान एंड बैरन आइलैंड इन इंडिया दैट इज बे ऑफ बंगाल दोली एक्टिव वर्लकन इन इंडिया मार्क कर लीजिए मार्क कर लीजिए गाइज आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ वट इज एक्टिव वर्ल डॉर्मेंट वर्ल और एक्टिव डोरमेंट और जो बोलते हैं कि डेड है वो क्या लो वो कौन से होते हैं या वैनिश्ड वैनिश्ड कौन से बोलते इनके एग्जांपल्स भी बताना और इनके फर्क का ये भी बताना रिलेट टाइप ऑफ माउंटेन्स ऑफ फॉर्म बाय डिफरेंशियल एरोजन डिफरेंशियल एरोजन कैसे बता देता हूं गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं रखना ये देखिए समझिए लैंड था और यहाँ पे थोड़ा ऐसा उबड़ खा खाबड़ था ये लैंड पहले से ही अब मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ लेकिन इरोजन वाले ने क्या किया सिर्फ इतने पार्ट को हर साल इरोड करता था इतने पार्ट को तो ये कैसा दिखेगा इतना पार्ट गायब होने के बाद ये तो ये माउंटेन दिखने लगा कि नहीं बस क्योंकि यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ पे ना या बहुत कम हुआ यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ पे नाया बहुत कम हुआ तो ये मुझे माउंटेन जैसा दिखने लगा तो वही इरोजन लेकिन अलग रेट से हुआ बस उसके वजह से माउंटेन दिख गया खत्म सिंपल अब आते हैं गाइस देखिए आपके ये माउंटेन्स वाले पार्ट इसको याद करना बहुत जरूरी है गाइस हद से ज्यादा जरूरी है ये देखिए कराकोरम लद्दाख जस्कर ये किसके पार्ट हैं बताइए इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय आपके हिमालय देखिए मैंने इमेज रखा है एक सेकेंड एड़ा बच्चों प्यारे बच्चों ये देखिए ये मैंने आप लोग को जो सोल्यूशन रहा था ना तरीका है कि यही तरीका है गाइस दिख रहा है आप लोग को हाँ यही तरीका है गाइस इसे याद करने का दूसरा और कोई तरीका नहीं है आप देख पा रहे हो देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है ये पूरा बना देता हूं मैं क्यों आधा अधूरा रखना ठीक है अब यहाँ पे गाइस ये जो है तीन ऐसे जाते हैं रेंजेस हिमालय के एक ऐसे पूरा एक तो पूरा जाता है ऐसा यहां तक जाता है दूसरा वाला रुक-रुक के जाता है और तीसरा वाला और छोटू-छोटू सा ऐसा एकदम टुकड़े-टुकड़े टुकड़े-टुकड़े वाला सो ये तीनों को साथ में बोलते हैं हम लोग हिमालय हिमालय के कितने पार्ट हैं हिमालय के तीन पार्ट हैं एक है हिमाद्री हिमाचल और तीसरा है शिवालिक तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन वो हिमाद्री की है गाइस और उसी के अंदर ध्यान रखना है आपका माउंट एवरेस्ट है ये सब सारी चीजें रटना होता है क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से ठीक है हिमाचल आप लोग को याद रखना है शिवालिक नीचे वाला है लिख शिवालिक अब ट्रांस हिमालय सर इसमें कहाँ है आप तो ट्रांस हिमालय बताने वाले तो बच्चों टेंशन मतलब बताता हूँ ये देखिए ट्रांस हिमालय ये रहा ऐसे ट्रांस हिमालय पूरा यहाँ से ऐसे रहता है अब ट्रांस हिमालय में गाइस तीन पार्ट हैं इसको याद करने का मैंने ट्रिक क्या बनाया था देखिए कराकोरम के एल एम आता ना तो कराकुरम एक है एक लद्दाख है और एक जस्कर है अभी देखिए एबीसीडी पढ़ोगे तो पहले के आता है फिर एल आता है फिर जेड आता है तो काराकोरम का कैलाश कैलाश सॉरी कैलाश लद्दाख है ये तो हमारा सबसे ऊपर जो रहेगा वो रहेगा कैलाश लद्दाख और जस्कर इजी ये नॉर्थ से साउथ जाने जाते वक्त ऐसी याद रखता हूँ मैं यही सारी चीज़ें कहीं थोड़े से ट्रिक्स एंड ट्विक्स रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग को याद हो पाता है अदरवाइज़ ये याद करना बहुत टफ है नॉर्थ टू साउथ जाऊंगा तो मुझे याद है ए बी सी पढ़ लो भाई पहले क्या है किया है? है तो मतलब कैलाश ऊपर रहेगा नॉर्थ साइड में सबसे कैलाश है फिर नीचे क्या एल आता है लद्दाख फिर ए बी सी डी सबसे में जेड क्योंकि अब उसके बाद तीन ही है उसके पार्ट ये पार्ट तो याद रखने उनके नाम क्या है तो ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है हिमालय के पार्ट नहीं है ये हिमालय के पार्ट गाइस नहीं है ये हिमालय के पीछे है पिच्चों को पिचो को ट्रांसफॉर्मी ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूं ये ट्रांस हिमालय है ट्रांस हिमालय। और ये हिमालय। अब इसके नीचे गाइस देखेंगे आप लोग ये देखिए जो हमको बोल रहे थे विंध्यन एंड सतपुड़ा तो देखिए ये वैली टाइप दिख रहा है यहां पे आपको एक सेकंड मेरा पेन आ जाए पेन बाबू कहाँ चले जा रहे हो तुम रह रहे के ये देखे विंध्या विंध्या ये ऊपर वाला विंध्या है और नीचे वाला सतपुड़ा है ये देखिए ये सतपुड़ा है नाम आप लोग को देखा दे दिया होगा बहुत टफ है इसके लिए आप लोग को एटलास खरीदना पड़ेगा लेकिन मैंने कोशिश करके आप लोग के लिए लाया है कि आप लोग एक ही में सब जान पाओ ठीक है अब महा अजंता महादेव माई काल ये सब सारी चीजें मुझे याद करवा सकता हूँ लेकिन क्या ये आप लोगों को करना है पड़ेगा देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं महादेव माई काल ऐसे ही पढ़ते हैं ये देखिए अजंता महादेव माई काल ये भी हमारे जो बोलते हैं ना कि सह्यादरी का पार्ट बोलते हैं सहद्री सॉरी सतपूर्न रेंजेस का पार्ट है ये सब ऐसे जाते हैं लोग ठीक है अब यह गाइस यहाँ पे आता है देखिए शशाचलम आने नीलगिरी कार्डमम हिल्स ये रहा ऐसे ही तो इसी हिसाब से नीचे जाते हैं शशाचलम यहाँ पे ध्यान रखना है कि के जंगलों में गाइस गाई में जो चंदन की लकड़ी है सैंडलवुड बहुत फेमस है यहाँ की और आप लोग देखो कि यहाँ पे लोग ना बहुत पेड़ काटते हैं क्योंकि इतना डिमांड है इतना पैसे में जाता है ये कि इनको भाई बेचते लोग मस्त हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना है अब यहाँ पे देखिए बाजू में वर्षण हिल है पालनी हिल है सिरुमाली है पांचमलाई है शवरॉय है जवाड़ी शिवराय एक साथ बोलते हैं ठीक है ना जवाड़ी शिवराय को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं नगरी हिल्स एंड पालकोंडा वेनुकोंडा नालिमल नदन इन सरकास। नदन सरकास अलग चीज नदन सरकास हमारे पार्ट है ये नहीं है ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई देखिए आप लोग को जो मैप करके दिखा कितना इजी था जवाड़ी शिवराय ठीक है नाम नहीं दिया है मैं आप लोग को ऐसे ले रहा हूं एलिकोंडा वेलिकोंडा ये देखिए वे ऐसे करके पढ़ के करने में मजा आता है ये देखिए, देखिये नल्लमला नल्लमला के साथ यर्रमला भी कर लेने का ये सब कहा आंध्र प्रदेश में शेषाचलम के उसमें क्या मिलता है चंदन वहां पे क्या कर रहे हैं सब लोग देखे मैंने बताया जैसे कि झाड़ को काट के इल्लीगल सैंडलवुड का सेल चालू है अब ये जो साउथ में ये देखिए नीलगिरी आने मलाई एंड कार्डमा मिल्स कार्डमा में हम लोग जो खाते हैं उसको याद रख लीजिए आने मलाई का सबसे बड़ा पीक जो है वो अनामुड़ी है देखिए अनायमुड़ी सबसे बड़ा मतलब देखिए माउंटेन अनामलाई इस तरह से तो उसका जो सबसे बड़ा पीक है उसे बोल रहे हैं अनायमुड़ी इसी तरह से नीलगिरी है नीलगिरी के सबसे बड़े पीक को हम लोग दोदा बेटा बोलते हैं ठीक है दोदा बेटा इस तरह से पढ़िए आप लोग तो आप लोग इजिली याद होते भी जाएगा अब चलते हैं आप लोग को देखिए जस्कर तक मैंने बता रहे थोड़ा थोड़ा देखिए द्रास के बारे में बोला था मैंने इंडिया माल कहाँ पे वोलकैनो का जो मिलता है तो ये देखिए हाई पिक द्रास माउंटेन वोलैनिक है पिर पंजाल धौलाधर ये पिर पंजाल धौलाधर किसके हैं हिमाचल के पार्ट हैं ये लोग हिमाचल माउंटेन के पिर पंजाल और धौलाधर अरावली अरावली हमारे राजस्थान में ये बताया था ना देखिए अजंता एलोरा के बाद महादेव माइकाल कैमूर ये हमारे इनका पार्ट है विंध्यन रेंजेस का यहाँ देख लीजिए ये देखिए महादेव माइकाल ये आपको दिख रहा है और विंध्यन रेंजेस का एक छोटा भाई और भी है कैमूर ये देखा ये रहा ठीक है अरावली देख लीजिए यहाँ से ये रहा अरावली राजस्थान का जब मैं बता रहा हूँ आप लोग को ये देखिए अरावली अरावली हरौली अरावली ये और उसके पीक को बोलते हैं हमारे देखिए एक दूसरा माउंट आबू है माउंट आबू के पीक को बोलते हैं गुरु शिखर गुरु शिखर पीक मतलब गाइस उसमें पीक मतलब है ऐसे माउंटेन ऐसे रहते हैं ये आप लोग को पता है ऐसे हैं ऐसा माउंटेन करके एक उनमें से बड़ा पीक है तो ये बड़े पीक को बोलते हैं कि उसका पीक है सबसे बड़ा पीक है तो माउंट आबू का बड़ा पिक क्या है गुरु शिखर ये हो गया हमारा राजमहल राजमहल हिल देखिए यहाँ पेटा नागपुर प्लेटू में इसमें तो इसमें चार लोग ना घूम के रहते हैं एक सेकेंड इसमें मेरा पेन मिल गया देखिए ये रामगढ़ सोनार या सोनपार इनको साथ में राजमहल हिल्स बोलते हैं और यहाँ पे हमारा गरहाट और नयागढ़ गर। दूसरा लेकिन यहाँ पे एक और जोन होता है चार माउंटेन से मिलके ये पूरे ना छोटा नागपुर प्लेटू में देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं ये लोग आप इस तरह से इसे पढ़ लेते हो और ये साथ, ये सारे रामगढ़ सोनपर और ये सब हिल्स को एक साथ क्या बोलते हैं राजमहल हिल्स छोटा नागपुर प्लाटू छोटा नागपुर प्लाटू और ये अलग खुद में राजगढ़ राजमहल अलग है खुद सॉरी और ये सबको क्या बोलते हैं छोटा नागपुर प्लाटू ये पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं गाइस छोटा नागपुर प्लाटू इसको पूरे को बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटफॉर्म ये जो नाम लिखे हैं अदरवाइज जोन तो इतना बड़ा ही है ठीक है तो इस तरह से आप लोग को लेके पढ़ना है पूरे स्टार्टिंग में मैंने इसको फ्रेश रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जितना ज्यादा ऐसे मिला के पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा और बाकी कोई तरीका नहीं है बाकी कोई तरीका नहीं है विंध्या सतपुरा गिर गिरनार गिर गिरनार -गिर हमारे गुजरात में है ये देखिए ठीक है फिर इसी तरह बालाघाट बालाघाट एक्चुअली बालाघाट रेंजेस है ठीक है ना सो तो अच्छा रेंज माउंटेन इसमें फर्क बता हूं। हिल का बड़ा भाई होता है माउंटेन अगर हिल इतु इतु से रहते माउंटेन बड़ा रहता है तो इसे माउंटेन बोलते हैं अब बहुत सारे माउंटेन एक साथ जुड़े रहे तो उसे रेंज बोलते हैं बहुत सारे रेंज बहुत सारे रेंज अरे ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलल रहे ये एक देखिए इसके पैरेलल उसके सामने एक और पैरेलल है तो इन तीनों को साथ में कॉर्डराज बोलते हैं बोलते हैं, तो अब आप समझ चुके होंगे कि हिल माउंटेन रेंजेस और कॉर्डुलराज में फर्क क्या है <laughs> अस्सलाम सपोर्ट मी थैंक्स थैंक्स थैंक चलिए टूर्स एंड ही आ चुके हम लोग अभी तो हमारा इलेवेंथ के सोशियोलॉजी शुरू हो जाएगी ठीक है गाइस तो ये देखिए आपका नीलगिरी हिल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया मैंने पांच मलाई कार्डम आने पालनी हिल्स पालनी हिल्स ईस्टर्न साइड में था ध्यान रखिए वेस्टर्न साइड में कार्डम था आने मलाई वेस्टर्न साइड में था इसी तरह नीलगिरी वेस्टर्न साइड में था याद होना चाहिए आपको ठीक है ये देखिए ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये देखिए ये देखिए वेस्ट में वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये सब सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है जितना हो सके उतना डेटा शेयर करते जाइए और दोस्तों में जितना पूछोगे कन्वर्सेशन करोगे मैप मार्किंग करोगे उतना अच्छा रहता है मैंने एक थोड़ी छोटी सी कोशिश की आपको थोड़ा सा मैप दिखाने के लिए और आपको सिखाने की कोशिश की कैसे आपको मार्क करना और कैसे याद रखना होता है अब आपके दिमाग में अरावली ऐसा टेढ़ा दिख रहा होगा हिमालय दिख रहा होगा तो वो दिखना शुरू हो जाना चाहिए आपको ठीक है गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन माउंटेन कॉलर डिफरेंस थैंक यू अरे चलेगा चलेगा चलिए चलेगा इस तो लेक्चर को करने का समय आ चुका है ऑलमोस्ट हमारा ये पार्ट खत्म ऑलमोस्ट के पहला चैप्टर खत्म हो चुका है सेकेंड चैप्टर कंटिन्यूशन अब हम बहुत जल्दी आपका थर्ड चैप्टर लॉन्च कर देंगे ठीक है तो आप बाकी सब इमेज सेंट्री की रहेंगे हमारे देखो आप लोग इमेज ऑलरेडी बुक देता है इमेज बहुत है आपके बुक में तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है कॉन्सेप्ट समझते जाना है ये देखिए ये सारी चीजें इसी तरह से ठीक है गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय ग्रेट एंड नाइस डे सानारा कोई क्वेश्चन पूछे कोई क्वेश्चन पूछे जियोलॉजी बहुत खतरनाक होता है सोलिया उसमें से क्वेश्चन पूछूं मुझे बता दीजिए कि फॉल्ट माउंटेन्स में कौन सी फोर्स लगती है अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा रहेगा तो भी आ जाएगा फॉल्ट माउंटेन्स में कौन सी फोर्स लगती है बताइए बताइए मैं हूं आपके लिए बोलिए बोलिए सौलिया <laughs> <पौल। laughs> टेंशनल फोर्स लगती है टेंशनल फोर्स टी ई एन टेंशनल फोर्स होती है इसके अंदर ये थोड़ा जोग्रफी आप मैं जानता हूँ क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके कमेंट करते हो आप जोग्राफी में कमेंट नहीं करते हो मतलब आप जोग्रफी नहीं देखते इसलिए मालूम पड़ जाता है ठीक है इवन आई नो लिटिल बिट अबाउट यू कि आप कौन से सब्जेक्ट देख रहे हो क्योंकि इतना गेट टुगेदर हो चुका है हमारा वर्चुअल मीडिया में दैट वर्चुअल नहीं आया ऑनलाइन मीडिया में कि हम लोग एक कुछ कुछ जान चुके हैं ठीक है गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चलो 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 मिलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रेन बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस nice डे एट सायनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा